हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम आइसोलेटेड फुटिंग विद यूनिएक्सियल मूवमेंट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। डिज़ाइन है रेक्टेंगुलर फुटिंग सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड 600 न्यूटन। यूनिएक्सियल मूवमेंट जो एमएक्स है अलोंग द साइड 100 किलोन्यूटन मीटर है फ्रॉम अ कॉलम ऑफ 230 बाई 600 mm। एंड SBC कितना दिया है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेक M20 कॉन्क्रीट और Fe 415 स्टील। तो कॉलम का साइज कितना है? ओके, एल है 600, पिंक सेल्स में आपको डाटा डालना है, और बी है कॉलम का 230। सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कितना है? 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंडीशन क्या है हमारे पास? व्हेन बोथ डायमेंशन एल एंड बी ऑफ द फुटिंग्स आर नॉट नोन। हमें ना एल पता है ना बी पता है, दोनों हमें निकालने हैं पहले। उसके बाद हमें डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालनी है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ द स्टील इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इन द शॉर्टर डायरेक्शन निकालना है, फिर उसके बाद हम वन वे शीयर चेक और टू वे शीयर चेक चेक करेंगे, और बियरिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉलम। तो 7 स्टेप्स हैं। अब ये हम देखिए हम कैसे करेंगे। ओके, अनफैक्टर्ड मूवमेंट हमारा कितना है? 100 किलो न्यूटन मीटर का। FCK कितना है हमारा? 20। FY कितना है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डेड लोड कितना है हमारा? 600 किलो न्यूटन का। वर्किंग लोड है, सर्विस लोड जिसे हम कहते हैं, 600 किलो न्यूटन का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्फ वेट 10% यहाँ पे जुड़ जाएगा, 660 हो गया। यहाँ पे फैक्टर्ड लोड हो गया 900, 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फुटिंग आ गया यहाँ पे 3.3 मीटर स्क्वायर का। कंसेप्ट क्या होगा हमारा? प्रोवाइडिंग रेक्टेंगुलर फुटिंग विद इक्वल प्रोजेक्शन आइदर साइड, यानी कि ये इक्वल प्रोजेक्शन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो बी प्लस 0.37, जो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0.37, कि एल माइनस एल बाई टू इक्वल्स टू बी माइनस बी बाई टू। तो एल क्या आ गया? बी प्लस 0.37, क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, तो ये हमारा ये फॉर्मूला लग गया, जिससे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। उसमें हमारे कांस्टेंट जैसे ये ए बी और सी हमारे कांस्टेंट्स आ गए, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट होके बी आ गया 1.64, और ये यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले लेंगे तो सपोज हम बी को यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं 1.70, हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है? बी हमने 1.70 ले लिया इसके अकॉर्डिंग। अब हम चेक करते हैं, चेक कैसे करना है? नेट अपवर्ड जो प्रेशर है, सॉइल प्रेशर, पी अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड प्लस माइनस एम बाई जेड। पी क्या है हमारा? लोड डिवाइड बाई ए एस टी जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, प्लस मूवमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस बी डी स्क्वायर बाई 6। सो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? सिग्मा मैक्स। ओके, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर है तो यहाँ पे सिग्मा मिनिमम जनरेट होगा, यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम जनरेट होगा, राइट? तो सपोज अगर मान लो मैं यहाँ 2.4 लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन। इसे हमने कांस्टेंट रख लिया, इसको हम बढ़ाते जाएंगे, क्लियर? अच्छा, इंक्रीज क्यों आया? क्योंकि ये सिग्मा मैक्स है जो SBC से कम होना चाहिए, क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हमने सिग्मा मैक्सिमम यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ये 223 आ रहा है, SBC कितना है हमारा? 200। ओके, देखते हैं ना, 2.5 लिया तो यहाँ पे इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन। सिग्मा मिनिमम तो ग्रेटर देन जीरो है, ये तो ओके आ रहा है, शॉर्टर साइड में ओके आ रहा है, बट यहाँ पे इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन 2.6 करेंगे। देखिए यहाँ पे भी इंक्रीज द फुटिंग डायमेंशन। अब हम लेते हैं 2.7 लिया तो यहाँ पे ओके आ गया। इससे क्या है कि सिग्मा मैक्स हो गया लेस देन SBC, 200 से कम हो गया, और सिग्मा मिनिमम जो है वो जीरो से ग्रेटर है, तो ओके आ गया। तो सिग्मा मैक्स कैलकुलेट हो गया, सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट हो गया, और शॉर्टर डायरेक्शन में भी सिग्मा कैलकुलेट हो गया, क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि अलॉन्ग द लॉन्गर साइड ही है MX है जो कि 100 किलोमीटर मीटर का है, और 600 किलोमीटर का हमारा लोड है। अब यहाँ देखते हैं डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालेंगे। लॉन्गर साइड में LX क्या है? L माइनस L बाई टू। देखिए ये आया L माइनस L स्मॉल L डिवाइड बाई टू कर देंगे तो ये LX आ जाएगा, क्लियर? लॉन्गर साइड में आ गया। ओके, ऐसे ही क्रिटिकल सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? फेस ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे हमें सिग्मा फेस निकालना पड़ेगा, सिग्मा फेस, यहाँ पे इसने सिग्मा फेस कैलकुलेट कर लिया,
सिग्मा मिनिमम प्लस सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, क्योंकि हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है 154, ये जो वैल्यू आई है ये कैसे निकलेगी, ये सिग्मा मिनिमम तो ये ऑलरेडी है, प्लस ये वाला डिस्टेंस निकालना है सिमिलर ट्राइंगल से, दिस डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई में एल एक्स प्लस एल, क्योंकि ये कितना है एल एक्स प्लस एल स्मॉल एल, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, आ गया 154.55। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्रिटिकल होगा मैक्सिमम होगा, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होगा, F1, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल शेप बना है ये दिस वन, तो यहाँ पे F1 लगा इंटू एल एक्स बाई टू सेंट्रॉइड पे लगेगा, और यहाँ पे F2 इंटू 2 LX/3 क्योंकि ये ट्राइंगल पोर्शन है, क्लियर। तो यहाँ पे इसी तरीके से F1 निकाल लिया सिग्मा फेस इंटू एल एक्स इंटू बी, ठीक है। F1 क्या होगा, सिग्मा फेस यहाँ स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया एल एक्स इंटू बी, दिस वन इज एल एक्स इंटू रेजिस्टिंग विड्थ कितनी है बी। इसी तरीके से F2 भी कैलकुलेट हो गया, हाफ सिग्मा फे मैक्सिमम एवरेज इंटू एल एक्स इंटू बी, तो ये F1 और F2 कैलकुलेट हो गया, इस फॉर्मूले में बेंडिंग मोमेंट आ गया ये, तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट लेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, अब हमारा 415 है तो हम यहाँ पे 0.138 कोफिशियंट ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डी रिक्वायर्ड निकल के आ गई। अलॉन्ग द शॉर्टर साइड हमारी इसी तरीके से अलॉन्ग द शॉर्टर साइड भी कैलकुलेट हो गया, पहले बी एक्स निकालेंगे, दिस वन इज बी एक्स, ये कैसे निकलेगा, बी माइनस स्मॉल बी डिवाइड बाई टू कर लेंगे तो बी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे बी एक्स कितना आ गया 0.74। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट सिग्मा फेस इंटू एल इंटू बी एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कैलकुलेट हो गया बेंडिंग मोमेंट, यहाँ सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, डी रिक्वायर्ड निकल के आ गई। तो शेयर क्राइटेरिया से हमें क्या पता है कि हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसका डबल हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम 464 लेके देखते हैं, तो चेक करते हैं शेयर के लिए जो कि ये यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है इंक्रीज द डेप्थ, हम यहाँ इंक्रीज करके 500 कर लेते हैं, 500 किया हमने तो यहाँ पे इंक्रीज द डेप्थ लिखा आ रहा है, सपोज मैं यहाँ पे 520 कर लेता हूँ, 520 का मैं अगर इफेक्टिव डेप्थ ले लेता हूँ, तो अब चेक करता हूँ वन वे शेयर के लिए सेफ है, टू वे शेयर में भी सेफ है, क्लियर। तो 520 हमारी पास कर गई, क्लियर। कवर हम 50 ले ले रहे हैं 14 के केस में, एज्यूम बार डाया मैं 12 mm का कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ आ गई 576, एज्यूम एच डेप्थ हम 300 mm कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्मॉल डी निकल के आ गया, कैपिटल डी आ गया, एच डेप्थ आ गई, एल लेंथ और ब्रेथ तो हमने निकाल ली है, एरिया ऑफ द स्टील MUx इसने ले लिया यहाँ से, जो ये 252 आया है अलॉन्ग द एरिया ऑफ द स्टील पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन, ठीक है 252 ले लिया, इसके अकॉर्डिंग PT निकल के आ गया, यहाँ पे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, 0.12% डालना है मिनिमम, तो हमने यहाँ 12 mm का डाया का चुन लिया, आप 16 mm का भी चुन सकते हो, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो सपोज अगर हम 12 mm पे ही चुनते हैं तो नंबर ऑफ बार्स निकल के आ गए, स्पेसिंग निकल के आ गई, तो अलॉन्ग द लॉन्गर साइड पैरेलल टू द लॉन्गर साइड हमें कितने डालने हैं, 13 नंबर 12 mm के 130 mm सेंटर टू सेंटर, क्लियर। इसी तरीके से एरिया ऑफ द स्टील पैरेलल टू द शॉर्टर साइड, अब शॉर्टर साइड में ये यूनिएक्सियल मूवमेंट है तो यहाँ पे सेंटर बैंड और आउटर बैंड का कंसेप्ट आएगा, तो सेंटर बैंड में हमने 157 के अगेंस्ट डालेंगे, देखिए ये MUy आया, ठीक है 157.30, इसके अगेंस्ट में DY ये 508 हो गई है, क्योंकि DY कहाँ आएगी, यहाँ पे डाया ऑफ द बार माइनस हो जाएगा, तो 12 mm लिया है तो 12 mm कम हो जाएगा, 508 आ गया, 0.06 आएगा, बट मिनिमम हमें 0.12 डालना है, तो यहाँ पे ये आ गया, ओके हमने 12 mm के चुने, तो यहाँ पे 12 mm के 12 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया इस डिस्टेंस पे 1.7 मीटर पे सेंटर बैंड में, ठीक है सेंटर बैंड में 12 नंबर 12 mm के 140 mm सेंटर बैंड में। इसी तरीके से आउटर बैंड में कितने आएंगे, आउटर बैंड में 12 180 mm सेंटर टू सेंटर आ गए, ये सब कैलकुलेट होके आ गया। वन वे शेयर चेक हो गया, इसमें वन वे शेयर चेक में क्या हो गया, एट अ डिस्टेंस डी क्रिटिकल होता है वन वे शेयर, तो यहाँ पे सिग्मा डी निकालेंगे जैसे सिग्मा फेस निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी सिग्मा डी निकल के आ गया, शेयर फोर्स निकल के आ गया वाई डायरेक्शन में, मैं फैक्टर्ड शेयर फोर्स ले लिया, इसी तरीके से शॉर्टर डायरेक्शन में निकल के आ गया, तो हमारा टॉ वी क्या, यू मैक्स अपॉन बी डी ये निकल के आ गया, तो देखिए टॉ सी की वैल्यू पॉइंट कितनी है, हमने
स्टील प्रोवाइड किया 0.166, ये किन दोनों के बीच आ रहा है, इसके बीच में। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ उठा ली M20 के लिए, ठीक है, 0.15 पे 0.28 और 0.25 पे 0.36, ये देखिए टेबल 19 से। तो यहाँ पे ये इंटरपोलेशन अपने आप कैलकुलेट हो गया 0.29। तो टॉसी जो है ग्रेटर है टॉबी से, तो सेफ इन वन वे शेयर आ गया। टू वे शेयर के लिए चेक हो गया इसी तरीके से, सिग्मा एवरेज आ गया, इफेक्टिव डेप्थ आ गया, लॉन्गर साइड में करेंगे टू वे शेयर चेक, तो पेरीमीटर निकल के आ गया नॉमिनल शेयर। ओके टॉवी इस केस में आ रहा है 0.28, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, और टॉसी कितना आ गया इस फॉर्मूले से 0.25 अंडर रूट एफ सी के 1.12, तो सेफ इन टू वे शेयर भी आ रहा है। तो बियरिंग स्ट्रेस के लिए चेक हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस कितना है 6.52 और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट कितना है 18, यानी कि ग्रेटर है इससे, तो यहाँ पे ओके आ गया। तो फ्रेंड्स ये शीट है फॉर एक्सियल लोड और यूनिएक्सियल मूवमेंट के लिए, यू हैव टू पुट द डाटा इन योर पिंक सेल्स ओनली, तो इट विल गिव ऑल द डिटेलिंग, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और डेप्थ ऑफ द फुटिंग, जितने भी हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोज़, एंड द लिंक्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।